वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अस्मा और आज मैं बना रही हूँ छोले का सालन, अंडे छोले का सालन। इसके लिए मैंने आधा किलो छोले ले लिए हैं और अंडे भी बॉईल कर लिए हैं और मैंने इसमें तकरीबन 2 अदद दरमियानी साइज़ के प्याज जो है ना वो बारीक कद्दूकश करके वो डाली है घी के अंदर, और 2 हरी मिर्चें, 1 लहसुन का जवा मोटा सा और 1 अदरक का जवा, उसको मैंने पीस लिया है। प्याज को जब मैंने कद्दूकश किया तो उसको मैंने हल्का घी में फ्राई किया है। फिर 2 हरी मिर्चें, अदरक लहसुन को मैंने पीसा था और 1/2 चम्मच ज़ीरा वाइट वाला उसके साथ पीस के, और मैंने इसको घी में प्याज के साथ भून दिया है। और इसमें मैंने 1/2 चम्मच नमक शामिल किया है, 1/2 चम्मच लाल मिर्चें और 1/2 चम्मच से थोड़ी हल्दी, वो मैंने शामिल कर दिए। इसको मैं अच्छी तरह से भूनूंगी। इसका घी ऊपर आ रहा है, मसाला भून रहा है। अब मैं इसके अंदर 1 चम्मच काली मिर्ची शामिल कर दूंगी, पिसी हुई काली मिर्ची। मैंने लाल मिर्ची कम शामिल की है तो मैं काली मिर्ची थोड़ी ज़्यादा शामिल कर रही हूँ, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। नाज़रीन देखिए, हमारा मसाला अच्छी तरह से भुन गया है। अब मैं इसके अंदर 2 टमाटर जो है ना वो शामिल कर दूंगी इसके अंदर। अच्छा, टमाटर मैंने फ्रीज़ किए हैं तो मैं इसको ना कद्दूकश करने वाले से ना घिस के वो इसमें शामिल कर दूंगी। नाज़रीन ये देखिए, मैंने इसमें 2 अदर टमाटर जो है ना उसका छिलका उतार के वो शामिल कर दिया इसके अंदर। अब मैं इसको भूनूंगी अच्छी तरह से। टमाटर जब अच्छी तरह से भुन जाएंगे तो इसका ऑयल ऊपर आ जाएगा। ये देखें, साइडों से थोड़ा थोड़ा इसका ऑयल ऊपर आ गया है। तकरीबन 5 मिनट में इसको अच्छी तरह से और भूनूंगी, फिर मैं इसके अंदर दही शामिल कर दूंगी। बहुत मज़े का और बहुत टेस्टी और बहुत जल्दी तैयार हो जाता है छोले अंडे छोले का सालन। अच्छा, छोले जो हैं, और मैंने ना आलू, रोज़ा लग रहा है आज मेरा, मुँह से अंडे आलू निकल रहा है बार बार। अच्छा, छोले और मैंने अंडे जो है ना वो बॉईल कर लिए हैं अच्छी तरह से। छोले बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, ये देखें बिल्कुल अलग हो गए हैं। और मैंने एक आलू भी बॉईल किया है, इसका मैं आपको बाद में बताऊँगी इसके साथ क्या करना है। ये देखें, टमाटर भी हमारे अच्छी तरह से भुन गया है, इसका ऑयल ऊपर आ गया है। अब मैं इसमें दही शामिल कर दूंगी, तकरीबन 3 खाने के चमचे। नाज़रीन देखें, मैंने इसमें 3 खाने के चमचे दही शामिल कर दिया है। अब मैं इसको दही को अच्छी तरह से इसमें मसाले के साथ भूनूंगी। अब दही भी जब अच्छी तरह से इसका पानी खुशक हो जाएगा और मसाला अच्छी तरह भुन जाएगा, अब इसमें थोड़ा सा पानी है, दही डाला है मैंने, इसका ऑयल ऊपर आने लगेगा तो फिर मैं इसमें अंडे छोले शामिल कर दूँगी। नाज़रीन ये देखें, मसाला अच्छी तरह से भुन गया है, दही डालने के बाद हमारा ऑयल ऊपर आ गया है सालन में। अब हम इसमें अंडे छोले शामिल कर देंगे और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपको ये मेरी रेसिपी अंडे छोले की कैसी लगी है। ये बहुत झटपट रेडी हो जाता है, इसमें इतना टाइम नहीं लगता। अच्छा, छोले के अंदर थोड़े बॉयल करते हुए पानी था, वो भी मैं इसमें पानी के साथ छोले शामिल कर दूँगी। थोड़ा सा पानी मैं और डालूँगी इसकी, थोड़ी इसको भूनूँ मैं अच्छी तरह से। अगर आपको जितनी ग्रेवी रखनी है छोले के सालन में, आप उतनी ग्रेवी इसके अंदर साथ रख सकते हैं। ये नान के साथ और घर की चपाती के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगता है। देखें कितनी अच्छी सी लुक आई है। अब मैं इसके अंदर जो मैंने आपको आलू दिखाया था ना, मैं आलू को मैश करके आपको दिखाती हूँ। अच्छा नाज़रीन देखें, आलू मैंने मैश कर दिया था ना, अब मैं इसमें आलू मैश इसमें डाल दूँगी और इसको साइड से इस तरह से इसमें मिक्स कर दूँगी। देखें, ये देखें, इसमें मैंने आलू मैश किया हुआ जो शामिल किया था, मैं इसको इस तरह कर दूंगी, इससे इसकी ग्रेवी जो है ना थोड़ी थिक हो जाएगी अच्छी सी। ये देखें, अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी ऐसे करके। अब मैं इसके अंदर हरा धनिया और हरी मिर्चें गार्निश करूंगी और तकरीबन इसको 5 मिनट मैं ढक के पकाऊंगी हल्की आँच पर। अच्छा नाज़रीन, मैंने इसमें हरा धनिया और हरी मिर्ची शामिल कर दी हैं और 1/2 चम्मच से कम थोड़ा सा ना मैं पिसा हुआ गरम मसाला शामिल किया है मैंने इसके अंदर, ताकि इसका बहुत अच्छा सा टेस्ट हो जाए। और मैं अब इसको 1-2 मिनट और पकाऊंगी ढक के।
ताकि इसका ऑयल थोड़ा सा ऊपर आ जाए, और फिर मैं आपको इसको डिश आउट करके इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं और ये देखें इसका ऑयल जो है ना ऊपर आ गया है, कितना अच्छा लुक आया है अंडे आलू के सालन का। और ये बहुत झटपट रेडी हो जाता है, ये देखें माशाल्लाह। अंडों को अच्छा आप कट भी कर सकते हैं, ठीक है ना, ये देखें इस तरह से। ये देखें, ये देखें। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। रोटी के साथ हमारे अंडे छोले का सालन जो है बहुत अच्छे से रेडी हो गया है। अच्छा, मेरा तो रोज़ा है मगर आपको मैं दिखा रही हूँ तोड़ के, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए बनाया है मैंने, अभी बच्चों का तो रोज़ा नहीं है। ये देखें छोले बिल्कुल गल गए हैं। और बेटा मुझे टेस्ट करके बताइए कैसा बना है। यम्मी, सो टेस्टी। अच्छा, ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।